नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज और अभी हम मौजूद हैं राजद के कार्यालय में, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीति राज गांधी जी, जो प्रदेश सचिव बने हैं युवा के, और अभी हमारे साथ मुखातिब हुए हैं। हम इनसे बात करने जा रहे हैं, इसकी पहले बार पदभार ग्रहण किए हैं, बड़ी जिम्मेवारी मिली है, कैसे युवाओं को सामने लाएंगे, कैसे युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे और कैसे युवाओं के लिए कुछ बेहतर करेंगे। आपको बता दें कि लगातार ये समाज से जुड़े रहे हैं और लगातार जनता के बीच भी बने रहे हैं, उनके सुख दुख में भी शामिल रहते हैं। तो और युवाओं पे खासकर इनका फोकस होता है कि कैसे उन्हें बढ़ाया जाए, कैसे रोजगार में उन्हें शामिल किया जाए, कैसे उन्हें स्वावलंबी बनाया जाए। इन सारे चीजों पर भी हम चर्चा और परिचर्चा इनसे करेंगे और जानेंगे इनसे ही पूरी बातों को, और समझेंगे और अपने माध्यम से आप तक पहुंचाने का, आवाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। मिशन 24 आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, मेरे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और युवा के अध्यक्ष हमारे राजेश यादव जी को धन्यवाद देते हैं कि जो मेरे कार्यों को देखते हुए मुझे आज प्रदेश सचिव जो बनाया गया है युवा बिहार राजद का, इसके लिए मैं कोटि कोटि दिल से उनको धन्यवाद करता हूँ। और जो मेरे पे ये एक जो कार्य सौंपा गया है उसको मैं सच्ची निष्ठा से पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा कि वो जस्टिस हो मेरे कार्य का, कि लोगों के, युवाओं का कार्य हो। बिहार में युवा आज एक जो मजबूती से खड़ा हुआ है उसकी उनके भरोसों पे मैं खड़ा हूँ। बड़ी जिम्मेवारी मिली, बड़ी जिम्मेवारी को निभाऊंगा जी। की महिला भी है, महिला है, युवा तो युवा, पुरुष और महिला, युवा युवा है, वो एक शक्ति है जो कि आज के समय में देख रहे हैं। जैसे हमारे उप मुख्यमंत्री जी, एक युवा उप मुख्यमंत्री कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि आज जो रोजगार का जो बात बिहार में होता था कि आज रोजगार देने के लिए कितने तत्पर हैं, 10,000 जो नौकरी का बात जो उनके हाथों से हमेशा जो बात होता है कि नौकरी दिया जाएगा, उसके लिए वो कार्य कर रहे हैं। हर कुछ समय पे वैकेंसी निकल रहा है, स्वास्थ्य विभाग हो या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो लॉ हो, लॉ डिपार्टमेंट हो, पुलिस विभाग हो, हर विभाग में वो मेहनत करके अपना की रोजगार युवा को कैसे मिले उसमें वो दिन रात कार्य कर रहे हैं। तो जो जैसा पार्टी का नेतृत्व, तो हमारे लिए एक मजबूती मिलता है कि हमारे नेता इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम अपने युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं कि देखिए हमारे नेता इतना आपके लिए कर रहे हैं, उनको समझाते कि इस रोजगार में आप जैसे अभी क्या है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, इस टाइप से बहुत सारा योजना बिहार में आ रहा है जिससे कि लोग स्वरोजगार कर सकते हैं। युवा आज के डेट में बेरोजगार नहीं रह रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ रोजगार दिया जा रहा है, जैसे कि स्टार्टअप, अपना एक बिजनेस करने का मौका, सरकारी नौकरी का मौका, और भी जो भी मांग है। जैसे कि अभी कुछ कुछ बातें जो मांग नहीं हो पाई हैं, जैसे हमारा एक है कि हम तेजस्वी जी को, मुख्यमंत्री जी को एक कहेंगे कि एक युवा आयोग भी बने, इसके लिए भी हम लोग पूरा प्रयासरत रहेंगे कि युवा आयोग बने जिससे और युवाओं का भला हो, और आने वाले समय में बिहार का युवा अगर देश में अपना नाम और बनाए तो वो पहचान, एक अलग पहचान बनेगा युवाओं का पूरे देश में कि बिहार का युवा आज स्वावलंबी हुआ, अपना अपने दम पे खड़ा है और ऐसे भी खड़ा है। ऐसा नहीं है कि हमारा परचम बहुत इन लोग को एक्टिव अभी भी, जैसे कि हम बहुत दिन से राजनीति में हम लोग जुड़े हुए थे, लोग को, युवाओं को जगाने का काम हमारा शुरू से रहा ही है, उनको एक्टिव करने का बात है। तो उनको सब जितनी भी योजनाएं उनके पास जो नहीं पहुंच पाती है वो योजनाओं उनके पास पहुंचाने का काम करेंगे, उनको जानकारी प्रदान करेंगे। युवा आयोग जो बनेगा उससे उनको सब तरह तरह का भत्ता मिलेगा, जो बेरोजगारी भत्ता, अगर कोई युवा छूट जा रहे, नौकरी नहीं मिल पा रहा, तो उनको बेरोजगारी भत्ता हमारी सरकार देगी, यानी देती भी है हर चीज में। जैसे कि अभी क्या है कि कोई युवा को पढ़ने जाना होता है तो मुख्यमंत्री सात निश्चय के अंदर में उनको 4 लाख का मिलता है, लोन मिलता है, जो कि नौकरी मिलने पे ही लौटाना होता है। ऐसी ऐसी कई योजनाएं का लाभ युवा उठा रहे, बिहार के युवा बहुत खुश है हमारी सरकार से, तेजस्वी जी से, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी युवा के बारे में जो सोच रखे हैं और जो जो वहां पे कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय। आज का युवा एकदम प्रफुल्लित है, बिहार का युवा आज पूरे देश में परचम लहरा रहा है, पूरे यूनिवर्सिटी में, बिहार इंडिया के यूनिवर्सिटी में चल जाइए उसमें 30 से 40% आपको बिहारी युवा पढ़ते मिलेंगे। क्यों?
क्योंकि जो प्रतिभा दबी हुई थी उस प्रतिभा को उन्होंने बढ़ाया लोन देके, लोन के माध्यम से, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आज बिहारी बच्चे, युवा बाहर जाके पढ़ रहे हैं, अच्छा रोजगार। वो पढ़ के क्या करेंगे, रोजगार ही प्रदान करेंगे, एक समाज को मजबूत बनाने में योगदान देंगे, मदद करेंगे। इसलिए हम लोग जो बीजेपी का कहना है कि 10 लाख जो इन्होंने कहा था, युवा नेता तेज यादव जी ने कहा था, वो तो एक सिरे से खत्म हो गया और सिर्फ गफलेबाजी रह गई। बीजेपी तो कोई लाइक नहीं हो, कोई वो बात कोई बोल के, जो 2 करोड़ हम लोग 10 लाख जो बोले थे उसको पूरा करने के लिए तो हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। रोज वैकेंसी निकाल रहे हैं, तरह तरह का, स्वास्थ्य विभाग से लेकर हर विभाग में वैकेंसी निकल रही है। वो तो 2 करोड़ बोले थे, दे दे 2 ही लाख दे देना, छोड़िए 2 करोड़, वो तो 2 लाख नहीं दे पा रहे हैं। तो उन लोग का तो मुंह इतना, किस आधार पे वो चुनाव आने वाले आगामी चुनाव में उतरेंगे हमको तो ये नहीं समझ आ रहा है। उनको तो ढूंढ ढूंढ के युवा बेइज्जत करेगा कि जो आप 2 करोड़ का, हमारे नेता तेजस्वी जी दिन रात लगे हुए हैं कि कैसे रोजगार उत्पन्न कर दे। वो तो उत्पन्न कर दिए हैं लगभग, वो अपने स्टेटमेंट पे जो थे वो खरे उतरे हैं। हम लोग जनता समझदार है मेरे आपके कहने पे, और इस बार बीजेपी के जुमला में नहीं फंसे। हर योद्धा मोदी जी, मोदी जी कह रहे हर योद्धा मोदी जी, मोदी जी जाओ मोदी कह रहा है, क्योंकि वो लोग प्रताड़ित हुए हैं मोदी जी से कि जो रोजगार का झूठा वादा किए तरह तरह का, आज युवा को तेल और पकौड़ा छानने के लिए जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो हम लोग को सजेशन दे रहे, युवा को पकौड़ा छान के पैसा कमा लो, कहाँ गया रोजगार 2 करोड़ का? तो दे ही देते, स्वावलंबी है तो फिर आप छोड़ दीजिए, फिर सब स्वावलंबी पकौड़ा बना के स्वावलंबी बन जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, आपको रोजगार देना पड़ेगा। आप केंद्र में 2014 से आप आए हैं तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप ये नहीं कि आप झूठ मूठ का एक नारा जुमला ही सुना के, कभी 15 लाख का जुमला, कभी 2 करोड़ का जुमला, हमेशा जुमलेबाज हो गए हैं वो हमारे प्रधानमंत्री। तो युवा समझदार है, युवा मूर्ख नहीं है बिहार का, वो सब बात समझ रहा है। आने वाले समय में उनको भी समझा दिया जाएगा कि आपका जुमला हम लोग पकड़ चुके, अब आपके झांसे में नहीं आएंगे, अब की बार ही रहेंगे और इंडिया गठबंधन ही पूरे देश में राज करेगा। अब की बार नीतीश और तेजस्वी जी ही रहेंगे और इंडिया गठबंधन ही पूरे देश पे राज करेगा और राज्य में मतलब महागठबंधन का सरकार ही बनेगा। इनका युवा नेता है, लगातार जनता के बीच बने हैं और इनकी कोशिश है, पहली बार इन्हें प्रदेश सचिव बनाया गया है। इनकी कोशिश है कि हर युवाओं को एकत्र करके, एकजुट करके जो है उनकी बातों को सुनना, समझना और उनके लिए बेहतर करना। इनका कहना है कि रोजगार धीरे धीरे उन्हें दिया जा रहा है, जो रोजगार करना चाहेंगे वो रोजगार करेंगे, जो उद्योग लगाना चाहते हैं वो लोग उद्योग लगाना चाहेंगे। इनकी सरकार हमेशा प्रयासरत रहेगी युवाओं को आगे बढ़ाने में। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़, नमस्कार।